अब इसे पीछे नहीं हटा जाए, कम से कम सीटों के पल्ले। चोर है राहुल का जीजा, चोर है गली गली में, चोर है राहुल की मम्मी, चोर है गली गली में, चोर है राहुल का पापा, चोर है चोर था गली गली में, चोर है राहुल का नाना बाबा, चोर था जिसका पूरा खानदान चोर है, जिसका पूरा खानदान भ्रष्टाचारी है, जिसका पूरा खानदान व्यभिचारी है, वो देश के सबसे ईमानदार नेता, सबसे सच्चरित्र नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता करेगा। कोर्ट के निर्णय के बाद भी कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन को आहत कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहां पर हमारा धरना कार्यक्रम था और ज्ञापन कार्यक्रम था। यहां के प्रशासन को लेना ज्ञापन लेना था और हमको धरना करना था। अब वो ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से लेते हैं, ADM के माध्यम से लेते हैं, CDO के माध्यम से, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ज्ञापन देना था और राहुल गांधी के झूठ और दुष्प्रचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देना था। साहब आपके ही जो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे वो यही बाहर चढ़ाते और कपड़े उतारते। अरे कोषाध्यक्ष जी की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उनका उनको हो सकता है, उनकी भावनाओं के साथ है, उनकी भावनाओं के विपरीत नहीं है।